एक युवक ने फोन किया, वो कहता आचार्य जी ठीक है, योगी उड़ सकता है, आकाश गमन कर सकता है, पर हनुमान जी समाधि थोड़ी लगा सकते होंगे, हनुमान जी इतने बड़े योगी थोड़ी होंगे। मैंने उसको कहा कि तुम थोड़ा ये बात बोलने से थोड़ा डरो, छोटे में बड़ी बात नहीं करनी। आज हमारे एक विद्वान है, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं शंका समाधान करते हैं, तो किसी ने शंका की है कि श्री कृष्ण जी श्री राम जी क्या योगी थे, तो उत्तर देखिए वो देते हैं, क्या योगी तो थे, परंतु जैसे कोई व्यक्ति एमएससी करता है तो एमएससी गणित में की तो गणित का विद्वान हो गया, पर उसके एक तो किसी के 50 अंक आते हैं तो भी पास है, 36 अंक में भी पास है, 75 में भी पास है, 100 में भी पास है। तो राम और कृष्ण जो योगी तो थे, पर उनको 70-80% योगी थे, 100% नहीं थे, पूर्ण योगी नहीं थे। मैं सभी आर्यों से पूछ रहा हूं कि परीक्षक ज्यादा योग्य होता है कि परीक्षार्थी, बोलो, परीक्षक ज्यादा योग्य होता है परीक्षार्थी, क्यों हरि लाल जी, आप तो अध्यापक हो, परीक्षक योग्य होता है जमीन कॉपी जाचेगा। आर समाज में ऐसे योगी हो गए जो श्री राम और श्री कृष्ण जी की कॉपी जाच रहे। वो युवक कह रहा है कि वो योगी थोड़ी थे इतने। हाँ ये तो है कि जब योगेश्वर कृष्ण भगवान जैसा पूर्ण योगी नहीं माना जा रहा हमारे यहाँ, सब नहीं ऐसे, कोई कोई योगेश्वर कृष्ण भगवान को योगेश्वर किसने कहा, मैंने थोड़ी कहा, महर्षि ने थोड़ी कहा, किसने कहा, बहुत बड़े योगेश्वर ने, किसने, महर्षि व्यास जी ने, महर्षि व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखा, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा, जिन्होंने योग दर्शन का भाष्य किया, वो एक प्रमाण पत्र दे दे कि श्री कृष्ण योगेश्वर है, महाभारत में लिखा कई जगह, लेकिन हम 70-80% अंग दे रहे हैं। योगेश्वर का अर्थ क्या हुआ, योग का ईश्वर, योग का स्वामी, योग का स्वामी 70-80% नंबर ला रहा है, और आज बहुत सारे विद्वान 100% अंक से ज्यादा ही होंगे जो नंबर दे रहे हैं, 100% होंगे उनके। ये सब उपहास किया जा रहा है, महापुरुषों का उपहास किया जा रहा है, एक संप्रदाय बन गए, दो ही तो महापुरुष छोड़े जिंदा हमने, बाकी सबको कचरे में डाला है, श्री राम श्री कृष्ण, उनको भी अंक देने लग गए।